आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग से क्या प्रदर्शित हुआ? रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग से क्या प्रदर्शित हुआ? हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? म्यूटेशन वास्तव में प्रीएडिटिव है तथा उद्विकासी निर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है, मतलब डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं है। वास्तव में उद्विकास प्रकृति के में संभाव्य घटनाओं तथा प्राणियों के संभाव्य म्यूटेशन पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्राणियों में म्यूटेशन वातावरण, चेतना, चेतना अभिक्रिया, इच्छा अथवा अंगों के प्रयोग एवं अप्रयोग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? म्यूटेशन ऐसे रैंडम एवं सतत परिवर्तन होते हैं जो उद्विकास के क्रमिक परिवर्तनों के लिए कच्चा पदार्थ निर्मित करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग होता क्या है। हम देखते हैं कि लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग क्या होता है? लीडरबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डार्विन के प्राकृतिक वरण को प्रयोगों द्वारा समझाया था। इन्होंने क्या प्रयोग किया था? इन्होंने अपने प्रयोग में क्या लिया था कि एक रेप्लिका प्लेट बनाई थी इन्होंने। इन्होंने कुछ जीवाणुओं को संवर्धित किया था अगार मीडियम में। इन्होंने कुछ जीवाणुओं को संवर्धित किया था, जिसमें से कुछ दो कॉलोनीज को हम लेके चलते हैं। दो को संवर्धित किया था अगार मीडियम में। इसको इन्होंने मास्टर प्लेट बोला। अब इस प्लेट को इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसमें वॉल्वेट का पेपर लगाया, कपड़ा लगा के उस पर प्रेस किया। इसके ऊपर ऐसे इन्होंने प्रेस किया और यहाँ पे एक अदर प्लेट लिया और उसको उन्होंने इस पर प्रेस किया। यहाँ से इस पर प्रेस किया पहले, फिर यहाँ से जब वो चपक गए इस पर, तो इसमें पेनिसिलियम अवेलेबल था, अगार मीडियम था। इस पर इन्होंने फिर ला के उसको इस वाले प्लेट पे प्रेस किया, तो कॉलोनीज इस पर ग्रो होने लगे। तो कॉलोनीज इस पर आ गई। इसमें पेनिसिलियम था और अगार मीडियम था, तो जो पेनिसिलियम प्रतिरोधी जीव थे वो तो अपनी कॉलोनीज को ग्रो किए जो पेनिसिलियम प्रतिरोधी थे, और जो पेनिसिलियम प्रतिरोधी नहीं थे उनकी कॉलोनीज ग्रो नहीं हुई, वो धीरे धीरे खत्म होते गए। मतलब प्रकृति ने पेनिसिलियम प्रतिरोधी को चुना और पेनिसिलियम प्रतिरोधी जो नहीं थे वो, जब डार्विन ने देखा कि जो पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीव थे वो जिंदा रहे, वो सर्वाइव कर रहे थे, उनकी कॉलोनीज बढ़ रही थी, और जो पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीव नहीं थे उनकी कॉलोनी जिंदा नहीं रही, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। फिर लीडरबर्ग ने एक निष्कर्ष निकाला कि जो जीवित रहे वे पेनिसिलिन प्रतिरोधी रहे तथा उनमें
पेनिसिलिन पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीन उत्परिवर्तित था, रहता था उनमें पेनिसिलिन पेनिसिलिन जीन प्रतिरोधी था, प्रतिरोधी उत्परिवर्तित था, उत्परिवर्तित था, उत्परिवर्तित था। और उन्होंने अपना निष्कर्ष दिया, एक लास्ट निष्कर्ष उन्होंने क्या दिया कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, उत्परिवर्तन पूर्व अनुकूलित होता है तथा प्राकृतिक वरण पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें जनसंख्या में स्थिर रखता है। मतलब उत्परिवर्तन पूर्व अनुकूलित होता है, उत्परिवर्तन उत्पर उत्परिवर्तन पूर्व अनुकूलित होता है, पूर्व अनुकूलित, उत्परिवर्तन पूर्व अनुकूलित होता है तथा प्राकृतिक तथा प्राकृतिक वरण, प्राकृतिक वरण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहता है। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इस निष्कर्ष के आधार पे हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं और सही टिक करते हैं, क्या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। पहला पढ़ते हैं ऑप्शन, म्यूटेशन वास्तव में प्री एडेप्टिव होता है। सही बात है, ये सही है। उद्विकास निर्दिष्ट प्रक्रिया है, डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, ये भी सही है। वास्तव में उद्विकास प्रकृति में संभाव्य घटनाओं तथा प्राणियों में संभाव्य म्यूटेशन पर निर्भर करता है, ये सही बात है। प्राणियों में म्यूटेशन वातावरण, चेतना, अभिक्रिया, इच्छा, प्राणियों में म्यूटेशन वातावरण, चेतना, अभिक्रिया, इच्छा अथवा अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, गलत बात है ये। म्यूटेशन ऐसे रेंडम सतत परिवर्तन होते हैं जो, ये सही है, म्यूटेशन रेंडम और सतत परिवर्तन होते हैं जो उद्विकास के क्रमिक परिवर्तनों के लिए कच्चा पदार्थ निर्मित करते हैं, ये गलत है, ये लाइन गलत है, यहाँ से ये लाइन गलत है। उपरोक्त सभी दो ऑप्शन गलत है, ये उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। लीडरबर्ग की रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन को प्रदर्शित करती है। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।